अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो आज के दिन की शुरुआत ऐसी है जी भाई, अभी जा रहा हूँ लोकल शॉपिंग करने के लिए। देखिए, आपने आज तक की शॉपिंग तो मेरी बहुत देख ली, टेस्को की शॉपिंग भी देख ली, मोरिसन की शॉपिंग भी देख ली। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ जो हमारे लोकल स्टोर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि जहाँ से हमें जस्ट लाइक ग्रोसरीज लेनी हो। एक तो लोकल स्टोर जैसे आपने देखा अब्दुल्ला फूड स्टोर, एक तो वो है जो बिल्कुल कॉर्नर शॉप आती है, जो घर के बिल्कुल साथ होता है। एक स्टोर ऐसे होते हैं जो बिग शॉप्स, जैसे जस्ट लाइक मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे हमारे पाकिस्तान में, जैसे मैं लाहौर के बिलोंग करता हूं, लाहौर में एक बड़ा फेमस है रहीम स्टोर, इस टाइप के यहाँ पे भी स्टोर्स होते हैं। वहाँ पे आपको हर चीज हलाल मिलनी है, आपको पता है यहाँ पे हर चीज हलाल है। वहां से हम लोग घर की काफी ऐसी चीजें होती जो आजरा से हमें नहीं मिलती, टेस्को से नहीं मिलती, तो वहां से हम लोग बाय करते हैं। जस्ट लाइक चावल हो गए, आटा हो गया, दालें होगी, काफी ऐसी चीजें होगी जो हमें पता होता है कि यहीं से मिलेगी। तो आए वहां चलते हैं जी। मिसिज मेरी ऑलरेडी वहां मौजूद है, वो ऑलरेडी शॉपिंग सारी, उन्होंने, मैंने उनको कहा था भाई आप जो है ना चली जाना, हर चीज ले लेना, तो जब आप ले लो तो मुझे बताना, फिर मैं गाड़ी पे आऊंगा तो पिक करके तो आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने ही उनको ड्रॉप किया था, बस वहां जाकर पिक करता हूं, तो वो घर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टोर भी दिखाएंगे, बिल्कुल मेरी शॉप के बिल्कुल साथ है। तो आए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर पार्क बाजार में, उसका नाम है पार्क बाजार। तो आए चलते हैं पार्क बाजार, दिखाते हैं आपको। देखिए बिल्कुल लिली क्राफ्ट के ऊपर है, लिली क्राफ्ट का एरिया है, सामने मेरी शॉप, वो कॉर्नर पे मेरी शॉप नजर आ रही है आपको। ज़्यादा दूर नहीं होगा, मैं गाड़ी लेके आया, ऑफ कोर्स गाड़ी में सामान लेके जाएंगे सारा। तो ये देखें ट्रॉली वगैरह रखी हुई यहाँ पे इन्होंने, के ट्रॉली रखे हैं और इसमें चीज़ें डालें। ये देखें आगे नजर स्टोर आपको, ये क्या क्या चीज़ें मिलती है ये देख रहे हैं आप। जैसे कि मैंने आपको बताया चावल, टिल्डा के चावल बेस्ट चावल है यहाँ, देखें पर्ल भी है। ये प्राइस क्या लगाई हुई इन्होंने? अच्छा जी, प्राइस लगी हुई है देख रहे हैं आप, 37 पाउंड का ये टिल्डा का, 20 केजी का, 20 केजी यानी के 37 पाउंड में है ये वाला चावल, बेस्ट चावल है जी ये यूके में। तो लुबना चावल भी है, ये सारे चावल पड़े हैं देखने, जैबरा चावल, लुबना चावल, पर्ल हो गया, टिल्डा हो गया, सारे चावल ही चावल हैं नज़र आ रहे हैं ये पोर्शन सारे चावलों वाला। आगे आ जाएंगे तो आगे ये देखें सब्जियाँ, फ्रूट, प्याज चेक कर रहे हैं, ये देखें सारा सेक्शन फ्रेश फ्रूट का। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सारी फ्रेश इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख रहे हैं आप। इधर ये देखें स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स वगैरह भी हैं, मैंगो ही चेक करें यार, एक मैंगो ये 99p का है। अब ये पता नहीं किस कंट्री का, आई थिंक स्पेन स्पून का कहीं होगा, इसलिए इस तरह का कलर है इसका मैंगो का। अगर मेरी देखिए आपने पैकेट में ये क्यूकम्बर खीरा भी है जी, देखें खीरे भी, इनकी प्राइस क्या लगाई हुई है क्यूकम्बर की इन्होंने, 24150 यानी कि भाई जान 75p का एक है ये। लेमन देखें प्राइस लिखी होती सारी इन्होंने, 341 पाउंड यानी कि 3 लेंगे ये लेमन तो 1 पाउंड के 3 मिलेंगे आपको। ये गाजरें यूके गाजरें ऐसी होती हैं, कैरेट्स दे रहे हैं जी 2 पाउंड केजी, 2 पाउंड की केजी है ये। देखें बनाना, यूके के बनाना जी, यहाँ गल्फ कंट्री के बनाना बहुत बेहतरीन होते हैं, देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में छोटे छोटे बनाना होते हैं, यहाँ पे इनके तगड़े तगड़े सही तगड़े किस्म के केले हैं सारे ये। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें, जैसे आपको मैंने बताया कि ग्रोसरी का सामान सारा, घर का चाय शाय कावा वगैरह देखें, कॉफ़ी वगैरह हर सेटअप चीज़ सब कुछ पड़ा हुआ है इनके पास। गोल गप्पे भी हैं यार इनके पास, देखें गोल गप्पे का पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, देखें पानी पूरी जिसे कहते हैं। कौन देते थे 40.99 का पूरा? अच्छा जो टैटले वाला है वो महंगा है, वो कितने दसा 39 14 15 पाउंड का, ठीक है ये 15 पाउंड का। इंदे च टोटल 12 पीस होंगे ने, 15 पीस होंगे ने, तकरीबन पाउंड का एक पै जाता। तो वैसे अगर खुला खुला लो तो फिर कितने का? अच्छा वैसे 130 का ऑलमोस्ट पै जाता अगर। अच्छा कोशिश करें फिर जब आप लोग इधर आए ना तो पूरा पैक ले, 15 पाउंड में आपको समझे कि पाउंड का पड़ जाता, काफ़ी बचत है, एक दो आपको समझे फ्री मिल जाते हैं इसमें, ये एडवांटेज हो जाता है। बच्चों की चॉकलेट्स भी हैं देख रहे हैं आप, ये चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यार ये देखें। एवरीडे वे हुए एवरीडे भी इधर है माशाल्लाह, मैं तो आज देखा यार, मुझे नहीं ऑनेस्टली पता था यार। पता है आप एवरीडे हम लोग पाकिस्तान से जब भी ट्रैवल करते हैं आते हैं इधर, हम कहते हैं एवरीडे नाल लेके जाना, देखें यहाँ से मिल रहा है मगर मिल महंगा ना। ये देखें इन्होंने लगाया था 13 पाउंड का, ये देखें ये फ़र्क आ गया ना। तो ये देखें जनाब, मैंने सोचा लोगों को तो दिखाऊंगा कि मैं पार्क बाजार आया, तो खुद भी तो दिखूंगा भाई, मैंने खुद भी शॉपिंग की है। तो भाई जाना जरा बेहतरीन किस्म का रेट ला दे, स्पेशल किस्म का डिस्काउंट के नाल। हेलो जी, मैंने जब भी घर की कोई मेन ग्रोसरी करनी होती तो मैं हमेशा पार्क बाज़ार ही आता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि यहाँ पे एक तो क्वांटिटी और यहाँ पे क्वालिटी और यहाँ पे प्राइस बेस्ट है हर लिहाज से। क्योंकि मैंने अफकोर्स यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स यूज पहले जाता था, चेक करता था, उनकी प्राइस का बड़ा फ़र्क आ जाता था, फिर क्वालिटी में बड़ा फ़र्क आ जाता था। यहाँ पे इनकी क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी वेरी रीजनेबल है। तो भाई आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, आपको फ़ायदा ही होने वाला। अब जैसे ये चीज़ है, आपको मज़े की बात है, अब ये चीज़ है ना, बाहर से कहीं से अगर बिग स्टोर से लेंगे हो सकता है वो हलाल ना हो, यहाँ पर आँखें बंद करके हम लेते हैं, हमें पता है यहाँ पर आपको हर चीज़ हलाल मिलेगी।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें अभी ये स्कैन हो रहा है, बिल बनाते हैं और पे करते हैं, बस निकलते हैं। पे तो करना ही करना जी, पे तो बगैर काम नहीं बनता, पे तो बहुत जरूरी है। और कोशिश करें कैश लेके आए, कैश नहीं है तो कार्ड ले आए, ये कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, टेंशन नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे लोबिया भी, व्हाइट लोबिया है, मसूर की दाल है, देखें दालें शाले सारी यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, सेटअप एक बना हुआ है, सारी प्राइस लिखी होती है, 6 पाउंड की ये 2 kg है ये वाली दाल, जैसे लोबिया व्हाइट लोबिया इतना 5.5 पाउंड का, यानी कि हर एक की काउंटर के ऊपर जो जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस साथ लिखी होती है। ये सारे सेक्शन बने हुए देखें, पाउडर नट्स वगैरह हर चीज़ जैसे भी है पता लग जाता, बड़ा ईजी हो जाता है कि आपको ढूंढना, कोई मुश्किल नहीं है। ये सॉसेस चेक करें, तो ये जी हमारा लोकल स्टोर पार्क बाजार जो लिली क्राफ्ट के ऊपर है, वहाँ पे आया हुआ फिलहाल। तो ये देखें सारे जो ना यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं दालें शाले, इसके में इसमें देखें जैसे कि नमक है, यहाँ पे मिर्चे हैं, साबुत मिर्च है, हर किस्म के मसाले मिल जाएंगे आपको, ये सारे मसाले पड़े हुए हैं, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ, जैसे ईस्ट एंड है ये इंडिया का है, तो मिक्स मसाले आपको हर जहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ये देखें ये क्या कहते हैं ना गर्म मसाला में जो यूज होते हैं, ये देख रहे हैं आप, चेक करो यार, ये भी देखना, ये भी मिल जाएंगे जनाब, ऑलिव ऑयल भी है, ग्रीन कलर, हर किस्म का ऑलिव ऑयल पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखें आप खाने में यूज करने के लिए, ऊपर भी देखें ये यानी कि टेंशन नहीं है भाई, एक ही लाइन में आपको हर चीज मिल रही है, देख रहे हैं। और यहाँ देखें जैम भी आ गया, ये सारे पाकिस्तानी जैम पड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये अहमद जैम पाकिस्तान का, एप्पल का, बादाम का, नूडल्स भी बच्चों के लिए, ये देखें ये भी मिचेल्स के फ्रूट जैम। अच्छा ये मजे की बात बताऊँ, ये जो ये चीज़ें हैं ना आपको आज़ा या टेस्को से नहीं मिलती, क्योंकि यूके के ब्रांड होते हैं, उनके अपने ब्रांड्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, ये पाकिस्तानी जो बिग स्टोर्स होते हैं वहाँ से आपको ये पाकिस्तानी ब्रांड्स मिल जाते हैं इसीलिए। तो आज यहाँ पे देखें ऑयल, ये मेरे घर में भी ये ऑयल यूज़ होता है, ऑलिव ऑयल का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ये KTC का सनफ्लावर ऑयल है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये ऑयल्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। 13 पाउंड का वो यार बड़ा महंगे हो गए कसम के, मुझे भी याद है 4-4.5 पाउंड का लेके जाता होता था मैं, तो अभी तो मिसेज शॉपिंग करती हैं इसलिए मुझे सही पता नहीं, मैं भाई मेरा काम होता बस पे कर देना, बाकी यार बहुत महंगे हो गए ये हर चीज़। अच्छा ये देखें जी गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट, ये भी यहाँ पे 3.5 पाउंड की बोतल है, ये स्मॉल बिग भी है, इसमें ये बिग बोतल्स पड़ी हुई हैं देखें, जैसे कि ये देखें 6.5 पाउंड की लजीजा की गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, ये जल्दी इजीली बनता है, खाने में डालकर मिक्स करके खाना बना लो जी। शक्कर देखें, जैसे शक्कर कोला बनाना हो पानी में मिक्स करके ठंडे पानी में शक्कर, ये भी देखें शक्कर मिल जाती है यहाँ से। उसके अलावा एक देखें सारा किचन का सामान वगैरह, प्लास्टिक की जितनी भी थिंग्स हैं हर चीज़ मिल जाएगी, बर्तन भी है यहाँ पे यार, ये देखें प्लेट्स वगैरह भी, ये देखें ऊपर है ना पूरा रहीम स्टोर वाला टच, मैं कह रहा था ना सही, जैसे लाहौर में रहीम स्टोर है उधर से हर चीज़ मिल जाती है, यहाँ से भी ये देखें हर चीज़ मिल जाती है, मगर ऑफकोर्स प्राइस फिर यूके की प्राइस है ना, पाउंड्स में अभी हर चीज़, जैसे कि ये हाली ये देखिए देखें 20 पाउंड की लगी हुई है, ये देखिए 20 पाउंड की, तो प्राइस को सारा साफ तब देखना पड़ता है। ये देखें लोटे भी हैं 3 पाउंड का टोटल लगा हुआ, 3 पाउंड का यानी पाकिस्तानी 1200-1200 रुपये का लोटा, ये भेजना है पौना भी देखें 1.5 पाउंड का पौना, ये यानी कि मिल जाती है हर चीज़ मगर प्राइस ऑफ कोर्स पाउंड्स में देनी पड़ेगी आपको। ये बिन बैग लाजमी यूज़ किया करो यार, आप पाकिस्तान में भी यूज़ किया करो बिन बैग ना, बड़ी अच्छी चीज़ है, ये डाला इसमें बैग में गंद वंद सारा उठा के पैक किया और सीधा बिन में बाहर, ये टिश्यू देखें यहाँ पे आपको मज़े का होता है, इसी एक ही स्टोर में, ये नहीं कि सिर्फ ये ग्रोसरीज मिलेगी, इसी एक ही स्टोर में आपको चिकन मटन हर चीज़ वो भी है, मैं वो भी सेक्शन में भी लेके जाता हूँ, यानी कि आप इधर जब आएंगे आपको घर का सारा सामान मिल जाता है यार, कि आपको ये पता होता है कि हमें किचन का हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी, खाने पकाने की भी हर चीज़ मिल जाएगी, तो आएँ आपको यहाँ से लेके चलते हैं दूसरे सेक्शन में, ये तो आपने देख ही लिया सारा। अच्छा ये देखें आटा वगैरह, एलिफेंट आटा पड़ा हुआ है यहाँ पर हमारे घर, ये यूज़ होता है ना जिसमें, ये तो फाइन वाइट है ना मेरे घर होता है जी मिक्स। अच्छा ये भी 20 पाउंड का होगा जो मेरे घर यूज़ होता होता है, उसको कहते हैं मीडियम एलिफेंट मीडियम ये वाला, और ये साइज़ ये 10 पाउंड का उन्होंने लगाया हुआ, 10 kg का मेरे बड़ा लेके जाता हूँ, 20 kg वाला। अच्छा 20 kg वाला ये देखें ये लगा हुआ जी, ऑलमोस्ट 18.5 पाउंड का ये,
ये अच्छा है, ये मिक्स है, यानी कि समझ लें कि ब्राउन और वाइट मिक्स किया होता है इन्होंने, इसलिए मीडियम लिखते हैं। तो इधर जो सेक्शन आपको एक और दिखाता हूँ, ये देखें, ये फ्रिज वगैरह पड़ी हुई, ठंडी ठंडी चीज़ें, यहाँ से कुल्फियाँ शुल्फियाँ भी सारे मामला हैं जी, यहाँ पे आइसक्रीम बच्चों की फेवरेट थिंग्स। हाँ ये देखें जी, ड्रिंक्स आ गई ठंडी ठंडी, यहाँ पे बटर भी है, ये देखें मिल्क, मिल्क सेक्शन है सारा। तो ये चीज़ देखें, लस्सी भी है जी, देखो मैंगो लस्सी। अच्छा ये देखें यहाँ पे चिकन कीमा, ये सारी प्राइस लिखी हुई है, 10 pound का 4 boxes, लैम 5, अच्छा 5 pound वज़न में, 10 pound का दे रहे हैं वज़न में, यानी कि ऑलमोस्ट तक 2.5 kilo जो है ना ये 10 pound में दे रहे हैं। तो 5 pound पर केजी, नीचे केजीज में लिख दिए, ऊपर पाउंड में लिख दिए इन्होंने। एक होता ना वज़न का पाउंड, एक होता कैश का पाउंड, ये वज़न का पाउंड है। ये देखें यहाँ से आपको चिकन शिकन मटन हर चीज़ मिलेगी, लेग चिकन मिक्स हो गया, और देखें फ्रेश बना रहे होते हैं आपके सामने, काट के आपके सामने फ्रेश बना के देते हैं ये, तो इसका ये चीज़ का बड़ा एडवांटेज है, यानी कि इसी एक ही स्टोर में आपको हर चीज़ मिल जानी है भाई। देखें फ्रोज़न चीज़ें भी पड़ी हुई हैं सारी, ये सारी फ्रोज़न टचेस, फ्रोज़न फिश भी है इनके पास, देख रहे हैं आप। तो ये है जी पार्क बाज़ार स्टोर, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोकल ब्रैडफोर्ड के लोग रहने वाले हैं, जो नए नए अभी मूव हो रहे हैं यूके में, ब्रैडफोर्ड में खासतौर पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे वर्क परमिट पे आ रहे हैं, जिस वीज़े पे भी आ रहे हैं यार, आप लोगों को अगर अपना स्टोर देखना है, अपने स्टोर में आना, जहाँ पे आपको लगे यार अपनी चीज़ें मिल जाएँ, कोई जहाँ पे आसानी हो, तो पार्क बाज़ार में आप आओ, ईजी हो के, कोई मुश्किल नहीं है। BD9 में ये है पार्क बाज़ार, और भाई साहब ये नज़र आएंगे यहाँ पे, आपको ये भाई साहब नज़र आएंगे, इन भाई साहब से आपके मिलना, आपके यहाँ पर बताना कि भाई हमने अली भाई की वीडियो देखी तो हम पार्क बाज़ार में आए हैं, और बहुत वो चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे लोग इंडिया से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप इंडिया में और पाकिस्तान में यूज़ करते थे, क्योंकि आज द टेस्को में तो आप जाते हो वहाँ पे इंग्लिश टच मिलता है, यहाँ पे आपको अपना टच मिलेगा सारा, और इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पे आप यहीं से आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना, जो भी नए देखने वाले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को मस्त क्लिक कर लें, तभी तो आपको नई नई वीडियोज़ मिलेंगी। तो दुआ में याद रखना जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।